please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर और आज की बहस बेहद जबरदस्त है। 27 मई 2014 को मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में पहला फैसला हुआ काले धन के खिलाफ SIT बनाने का, यानी सरकार का इरादा साफ था ब्लैक मनी का पुरजोर प्रहार, और इसके लिए सरकार ने कई बड़े कड़े फैसले भी लिए। लेकिन आज जो खबर सामने आई है वो वाकई हैरान करने वाली है, मुल्क को चौकन्ना करने वाली है, क्योंकि 2-4% नहीं, स्विस बैंकों में जमा भारतीयों की रकम 50% से ज्यादा बढ़ गई है। और इस खबर के आते ही इस पर खुलकर सियासत का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस कह रही है कि काले धन के मामले में मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्विस बैंकों में जमा पूरी रकम को ब्लैक मनी मान लिया जाए? और मुद्दा यह भी है, क्या काला धन का ये मामले में सरकार से कोई बड़ी चूक हुई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि जनता जनार्दन का मुद्दा है। आज हम सवाल खड़ा करते हैं, काले धन पर ऑपरेशन ऑल आउट कब? काले धन पर लगातार एक्शन के दावों के बीच स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 50% बढ़ गया है। हालांकि पिछले 3 सालों से लगातार इसमें गिरावट आ रही थी, लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। 2014 में वो कहते थे, स्विस बैंक से मैं काला पैसा लाऊंगा और सभी भारतीयों के खातों में 15-15 लाख जमा कराऊंगा। 2016 में भाषा बदल गई, उन्होंने कहा नोटबंदी काले धन को खत्म कर देगी। 2018 में स्विस बैंकों में भारतीयों के व्हाइट पैसों में 50% का इजाफा हुआ है। स्विस बैंक में काला धन नहीं है। नोटबंदी फेल, GST फेल, और मोदी का वो वायदा झूठा निकला जो उन्होंने कहा था कि हम पैसा लाएंगे। यहाँ ला नहीं रहे, यहाँ से जा रहा है। मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह असफल साबित। डिमोनेटाइजेशन के बाद आश्वस्त थे कि बड़ा हिस्सा काले धन का बाहर आ गया है। स्विट्जरलैंड की और ज्यूरिच की जो घटनाएं हैं वो चौंकाने वाली। कि काला धन देश का बढ़ गया है तो मुझे बड़ा दुख हुआ, खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी से मेरा ये अपेक्षा नहीं थी। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि इस मामले में पूरी जांच होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्विट्जरलैंड के साथ जो करार किया है उससे सब डेटा हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। तो आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि ये काला धन है या ये इलीगल ट्रांजैक्शन है, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। कल शाम से 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार लगातार काले धन पर सख्ती का दावा करती रही है, और इस पर लगाम के लिए SIT बनाने से लेकर कई देशों के साथ समझौते भी हुए। यहां तक कि नोटबंदी के जरिए भी काले धन पर प्रहार किया गया। लेकिन स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा बढ़ने के बाद अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर देश में कब लौटेगा विदेशी काला धन? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, ब्लैक मनी पर ऑपरेशन ऑल आउट कब? पर अब इस जनता के मुद्दे का विश्लेषण सुनिए, काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत का विश्लेषण सुनना इस मुल्क के लिए जरूरी है। सिर्फ आर्थिक नहीं, देश के लिए बड़ा सियासी मुद्दा है काला धन। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने किया था काले धन पर वार, SIT का गठन किया था। लगातार 3 साल घटने के बाद पहली बार स्विस बैंकों में बड़ा भारतीयों का पैसा। इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। देशी विदेशी काले धन पर एक साथ करना होगा प्रहार। देश में माना नोटबंदी हुई, काले धन पर वार हुआ, लेकिन इंपैक्ट क्या हुआ? क्या स्विस बैंकों में जमा पूरी रकम ब्लैक मनी है? क्योंकि अरुण जेटली ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और मेरे साथ आज के धुरंधर पैनलिस्ट हैं। स्टूडियोज में मौजूद है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर, अभय दुबे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ वारिस पठान हैं, ओवैसी साहब की पार्टी के AIMIM के नुमाइंदे हैं। मेरे साथ सुनीत चोपड़ा है, नेता CPM के, आपका भी स्वागत है सर। और मेरे साथ सुदीन भदौरिया भी स्टूडियोज में जुड़ेंगे, जो कि BSP के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। बिना लाग लपेट के मैं इस डिबेट को ओपन करना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी आपसे।
आपकी सरकार को 4 साल हो गए और 4 साल में पहली बार ब्लैक मनी बढ़ी है। मेरे पास आंकड़े हैं, 2013 में जो 14,000 करोड़ थी वो घटकर 2013 में जो 14,000 करोड़ थी वो घटकर 2014 में होती है 12,615 करोड़, 2015 में होती है 8,392 करोड़, 2016 में होती है 4,500 करोड़ और 2017 में 50% बढ़ के हो जाती है 7,000 करोड़। यानी 2013 से तो आधी है लेकिन 2016 की तुलना में 50% ज्यादा है। और अरुण जेटली की बड़ी खबर इस समय आ रही है, दोषियों पर नए कानून के तहत एक्शन होगा और इसके अलावा काला धन पर फैलाई जा रही है भ्रामक जानकारी, स्विस बैंक में सारा धन काला नहीं है। अरुण जेटली ने ब्लेटेंट अटैक करा है कांग्रेस पर, ऑपोजिशन पर। डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी, योर व्यू। देखिए, मैं ये बात कहना चाहूंगा, जब अभी भी आपने अपना विश्लेषण दिया कि 2013 से लेकर पिछले साल तक लगातार वहां धन में कमी आई है और अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी जी, काले धन को लेकर पिछली सरकार के समय में स्विट्जरलैंड के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं था कि वो हमारे साथ सूचनाओं को साझा करें। अक्टूबर 2014 में हमने शुरुआत की और पिछले साल में जाकर हमने कई द्विपक्षीय समझौते करने में सफलता हासिल की, जिसके तहत अब आगामी एक जनवरी से पूरी की पूरी जानकारी आएगी बढ़ने के क्या मायने, दाम और पते के साथ। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं जो अरुण जेटली जी ने कहा है कि जब नाम और पते के साथ होगी वो जानकारी तो मानी हुई बात है वो काला धन नहीं हो सकती। जितना काला धन पकड़ा जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अरे हम तो जब विपक्ष में थे तब तो हमारे सारे सांसदों ने लिख के दे दिया था स्पीकर को कि हमारा कोई फॉरेन में अकाउंट नहीं है। पूछिए इन लोगों से, ना सत्ता में रह के दिया ना विपक्ष में रह के दिया, और पूछिए क्या एक भी समझौता स्विट्जरलैंड से किया था, क्यों नहीं किया। सुधीर भदौरिया, मैं ये बतला दूं, काले धन का मामला बाकी में तो इनका पर्दाफाश हो ही चुका है, अब काले धन में भी पर्दाफाश हुआ है। इसलिए हुआ है जिस प्रकार मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, जिस प्रकार इनके साथ जो जुड़े हुए लोग, मैं आपको आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बैंकों का लोन मैं कह रहा हूं, पनामा पेपर नहीं है, पनामा पेपर्स के अंदर जिस प्रकार भाजपा के कुछ मंत्रियों के भी नाम है देश में तमाम अखबारों में वो नाम आए हैं। इन्होंने आज तक जो 15 लाख रुपया वापस करने का इन्होंने कहा था, हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया आएगा, सारा लूट का पैसा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं, मैं इनको बतला देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लूट की पार्टी है, सबसे ज्यादा जो ये कहती है 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में क्यों आया है, इसलिए क्योंकि इन लोगों ने काले धन वालों को संरक्षण दे रखा है। ओके, देखिए भदौरिया जी का द्वारा प्रश्न उठाना बहुत विचित्र और विडंबनापूर्ण है, जिनकी नेता ने चंद सालों में 150 करोड़ की संपत्ति बनाई हो, जिन्होंने नोटों की माला पहनी हो, जिन्होंने कहा हो मैं देवी हूं चढ़ावा मुझ पर चढ़ाओ, और एक तक किसानों भदौरिया जी बताइए, 2002 में सरकार बनते ही क्या कारण है जी, आप बताइए 2002 में मायावती मुख्यमंत्री थी, स्विट्जरलैंड कहीं थी कि नहीं, क्यों है और स्विट्जरलैंड का पूरा रोज जा रहे हैं, आरक्षित रोज जा रहे हैं, कोई काम नहीं, रोज जा रहे हैं, मोदी रोज जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड में क्यों डेढ़ दिन आरक्षित रहने का क्या मतलब था, व्हाई वाज हनवर हाफ डे प्रिजर्व इन 2002, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ना, 2002 में कहीं थे आप, आपने सवाल पूछ लिया मायावती 1.5 दिन के लिए स्विट्जरलैंड क्यों गई थी, क्यों नहीं जा सकती, नहीं जा सकती है, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री रिजर्व मोदी के साथ कार्यक्रम जा सकते हैं, क्या कार्यक्रम था, अरे 12 साल पहले कार्यक्रम था मुख्यमंत्री, मैं ये पूछना चाहता हूँ कार्यक्रम था, कार्यक्रम आज मेरे पास यहाँ लिखा हुआ आपसे जो सवाल है काले धन पर, ये काले धन में लिप्त है और इनके मंत्री लोगों के नाम आए हैं पनामा पेपर, मेहुल चौकसी क्यों बैठे हैं प्रधानमंत्री के साथ स्विट्जरलैंड में दावोस के अंदर, इसके आज तक ये नहीं FIR है जिसके खिलाफ, नीरव मोदी थे, अरे नीरव मोदी और मेहुल चौकसी सब लोग हुए हैं, भदौरिया जी आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि मायावती स्विट्जरलैंड में 1.5 दिन के लिए 2002 में मुख्यमंत्री थी, आप आरटीआई में निकलवा लीजिए, वो गई थी और कोई कार्यक्रम नहीं था, यूरोप के
तमाम देशों के दौरे पे गई और स्विट्जरलैंड में गई, वहां डेढ़ दिन कोई कार्यक्रम नहीं। सारा पैसा लूट के लेके जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठिकाने लगाने गई थी मायावती। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वानाड़ी है। चार साल को समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन साल से कहना चाहता हूँ, कुछ होता सबसे ज्यादा नोटबंदी में कैश पे जमा किया इनकी सरकार ने। आरोप लगाते हैं, अरे भाई से सरकार है कुछ नहीं कर पाए हैं। और धन पे साइकिल हमने कथित सारा का सारा मैंने समझौते हमने किए। मैं तो बीच में आना पड़ेगा, आप दोनों के बीच में हूं। चौकसी का इन्होंने नाम लिया जब इनकी सरकार यूपीए की जा रही थी। दो दिन पहले वित्त मंत्रालय ने ऐसा निर्णय क्यों लिया जिससे सीधे बैंक चौकसी का फायदा होता था? 14 मई 2014 को क्यों निर्णय लिया जब रिजल्ट आने वाले थे दो दिन बाद? बाकी लोगों को आने दीजिए, मुझे उठ के आना पड़ेगा आप दोनों के बीच में। सर मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, देखिए देखिए एक एक फैक्ट है। मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहता हूं, आप आराम आराम से अपनी बात रखिए। लेकिन लेकिन देखिए सुदीन भदौरिया साहब, एक जो बड़ा कैटेगोरिकली सवाल है वो ये है कि 2013 में जो 14,000 करोड़ काला धन था वो अब कम होकर 7,000 करोड़ रुपए रह गया है। हालांकि 2016 की तुलना में 4,500 करोड़ से बढ़कर 7,000 करोड़ हुआ है। ये भी एक हार्ड फैक्ट है। मैं अब आगे का रुख करता हूं, मेरे साथ बाकी पैनलिस्ट भी है, मैं सीधा आप लोगों के पास आता हूं। अभय कुमार दुबे, क्या आपको लगता है काले धन पर सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी की सरकार विफल रही है? इसीलिए आज राहुल गांधी ने ट्वीट करा है, इसीलिए आप मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन पलट के सवाल आपसे बनता है कि आपने अपने शासन में एसआईटी नहीं बनाई थी, ये इन्होंने आते ही एसआईटी को बनाया, तो इनकी मंशा तो काले धन पर वार की है। अमित जी, इस देश ने रात को चैन की नींद सोने के लिए एक चौकीदार नियुक्त किया था भारतीय जनता पार्टी नाम का। देश को भरोसा नहीं था कि चौकीदार का चोरों से मेल हो जाएगा और सारे देश के नागरिकों का 15-15 लाख रुपए का खेल हो जाएगा। ये ऑब्जेक्शनेबल है। पूछना चाहिए प्रधानमंत्री त्रिवेदी जी से। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी जी बताइए, 40 सेकंड दीजिए आप उनको। सुधांशु बोलिए बोलिए, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। G20 में ब्रिस्बेन गए थे प्रधानमंत्री जी नवंबर 2014 में, क्या आपने कहा था बहुत बड़ा समझौता काले धन पर प्रधानमंत्री जी ने विश्व के देशों से कर लिया है? आप जानते हैं क्या हुआ था उस समय? OECD ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था, मनमोहन सिंह जी ने करार किया था कि 14-15 से वो एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होगा, उसको आपने 17-18 करा दिया था एग्जीक्यूशन। 82 देशों से आपका रुख कितना अगर साफ था काले धन, ये आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए ब्रिस्बेन में आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है। एफिडेविट क्या फाइल किया? आप ये कह रहे थे कि स्विट्जरलैंड, जब राम जेठमलानी जी ने कहा कि स्विट्जरलैंड की बैंक के जो LGT के माध्यम से आपको खातों की जानकारी है वो दीजिए, आपने कहा जो स्विट्जरलैंड से एग्रीमेंट है आर्टिकल। लेकिन एक बात बताइए, करप्शन और काले धन का डायरेक्ट लिंक है? मैं सीधा एक मूल सवाल के ऊपर आता हूँ। सर देखिए, मैं हवा में बात नहीं करता और मैं मूल सवाल के ऊपर आता हूँ। मैं ठीक है अबे दुबे, नॉन स्टॉप नहीं बोला जा सकता, मुझे निवेदन करना पड़ेगा। अब आप जवाब भी सुनिए, क्या ठीक है ये जो शब्द बोले गए प्रधानमंत्री के लिए? एक सेकंड सर, आपने कुछ शब्दों का इस्तेमाल करा, उस पर जवाब लेना जरूरी है। बोला गया कि चोरों के साथ प्रधानमंत्री मिल गए। रुकिए सर, रुकिए अबे दुबे, सवाल नॉन स्टॉप नहीं हो सकता ना, सवाल नॉन स्टॉप नहीं हो सकता ना। करप्शन और ब्लैक मनी का डायरेक्ट लिंक है ये जो इन्होंने कहा ना, चोरों के साथ संबंध। पिछले 30-40 साल में जितने विदेश के चोर मिले हैं जिन्होंने भारत का पैसा हड़पा है, चाहे एंडरसन हो, आदिल शहरयार हो, क्वात्रोची हो, गाइडो हेस्के हो, वोल्कर हो, सबके संबंध कांग्रेस के प्रथम परिवार से ही क्यों निकलते हैं? जवाब चाहिए इसका। और उसके बाद आप प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, यथार्थ कुछ और है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जहां तक काले धन की बात है, हमारी सरकार ने आने के बाद स्विट्जरलैंड ही नहीं, मॉरिशस के साथ, आपने ब्रिस्बेन का उल्लेख किया, प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर वहां पर वो प्रस्ताव का हिस्सा बना था और उन 20 देशों ने जिस प्रकार से सूचनाओं को साझा किया, और लिंचिंस्टन बैंक के जिन खाताधारकों की बात आप कह रहे हैं, पर सर देश का तो आम नागरिक नाम मांगे नहीं थे, हमारे टाइम में आए, हमने इंटरव्यू कर रहा हूं, सारे नाम दे दिए हैं और एसआईटी उसकी जांच कर रही है। ओके ओके, अबे अबे दुबे 30 सेकंड में जवाब दीजिए, मैं उसके बाद अपना सवाल खड़ा करूंगा। अबे दुबे 30 सेकंड जी, अमित जी, मैं गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। इस देश के प्रधानमंत्री जी 1 जून 2015 को एक कानून लाए, इनकम टैक्स एक्ट 269SS। उन्होंने कहा इस देश का कोई भी नागरिक 20,000 रुपए से ऊपर नगद की संपत्ति नहीं खरीद सकता अगर किसान नहीं है तो।
मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी के समय जितनी रजिस्ट्रियां कराई, रजिस्ट्री में लिखा है 70 लाख नगद दिए, 50 लाख नगद दिए, 40 लाख नगद दिए। वो महेश शाह कहां है जिसने कहा था 13,000 करोड़ रुपए कई लोगों के मेरे पास है? वही तो बेनामी संपत्ति, वो तो इनकम टैक्स ने उसको पकड़ा। एक सेकंड, जब जब बेनामी संपत्ति का नियम लाए हम, जो 30 साल से आप नहीं लाए थे, जवाब दीजिए, आप क्यों 30 साल से नहीं लाए थे? और रही बात पैसे की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, नोटबंदी के बाद किस प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया था कि रजिस्ट्री हम 1 महीना करते रहेंगे पुराने नोटों से, कैश से? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और आप उसके साथ खड़े थे। अरे उत्तर प्रदेश उसका जवाब चाहिए, सबसे ज्यादा पैसा डिपॉजिट किया तो बहुजन समाज पार्टी ने नोटबंदी के बाद, उसका जवाब चाहिए। और हमारी तो ईमानदारी ये थी कि 20,000 की डिपॉजिट की लिमिट थी वो हमने घटा के 2,000, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई राजनीतिक दल 2,000 से अधिक का कैश में चंदा नहीं। लेकिन 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 एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखिए देखिए काले धन के ऊपर, काले धन के ऊपर जब जीएसटी सवाल खड़ा करती है, एक सेकंड, आपके अपने नेता के भाई के ऊपर, आनंद के ऊपर बड़े गंभीर आरोप हैं। इनके इनके भैया, इनके नेता की तो मूर्ति भी पक्ष के साथ रहती है, आपके पक्ष के साथ कोई मूर्ति नहीं देखी हो। इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ लाख रुपए से सैकड़ों करोड़ रुपए पे पहुंच रहे हैं, देश देख रहा है सरकार को रहते हुए। अरे भैया सब जानते हैं, कौन से अखबारों में हम क्या आपके अखबारों में आया है? नहीं, क्या आप जानते हैं? नहीं, ये जानकारी, ये जानकारी अगर आपकी बात है तो बताइए, क्या आप मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि इस पार्टी के अंदर, आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री गए किस तरह से उनके साथ, किस तरह से उनके साथ नीरव मोदी बैठे हुए हैं, काले धन और करप्शन का लिंक है, बिल्कुल रिश्ता है, और कैसे मैं तो बोलो रिश्ता है, काले धन काले, काले धन का और इनके साथ और करप्शन का रिश्ता है। इन्होंने इन्होंने जो सैकड़ों करोड़ रुपया इनके खजाने में जमा हुआ तो है, अभी तो आपके पास आनंद के, आनंद के लोगों के संपत्ति कितनी है और आपकी बताई है संपत्ति कितनी है, सब जानते हैं कि स्वयंभू मसीहा की व्यक्तिगत संपत्ति कितनी है। अगर हमारे पास आया होता तो कार्रवाई कर सकते हैं ये, इन्होंने कुछ 4 वर्ष में, अरे कुछ नहीं, इनके पास एसेट का केस झेले गए, कुछ कर पाए, खाली चाहे अटल जी रहे हो प्रधानमंत्री, चाहे आप, खाली ये हवा बनाते हैं, खुद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है, काले धन में आकंठ डूबे हुए हैं ये लोग। अच्छा ठीक है, जब आप सुधांशु अब बहुत बड़े बड़े आरोप लगा दिए कि आप भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, डुबकी लगा रखी है। देखिए मेरा मानना यह है कि इनकी बातों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी ना, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और, तो वही इनका चरित्र है। अरे सुनिए ना, देखिए दलितों की मसीहा, वंचितों और शोषितों की मसीहा, 150 करोड़ की मालकिन और उतना ही नहीं, मैं फिर भी कहती है, देखिए आपने अपने टर्न पे बोली, आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा हूँ भाई, उनके भाई के पास उसके बाद सबसे ज्यादा संपत्ति है, और वो कहती है स्वर्गीय काशीराम जी की बड़ी सेवा की थी, तो वारिस पठान नोटबंदी जब हुई तो ये कहा गया कि ब्लैक मनी के ऊपर बड़ा वार हुआ है, लेकिन ओवैसी साहब ने उसमें एक नया फॉर्मूला निकाला, कहा कि ये जो नोटबंदी हुई है इसके बाद मुसलमानों के इलाकों में पैसे जो है वो एटीएम में नहीं भेजे जा रहे। अब आज जो ब्लैक मनी का मामला सामने आया है, या फिर कहें तो स्विस बैंक के अंदर लोगों का पैसा बड़ा है, 50% बड़ा है 2014 की तुलना में, 2013 की तुलना में, लेकिन अभी भी आधा है, क्या कहना चाहते हैं आप? अमीश जी, मैं सबकी बातें सुना, मुझे 30 सेकंड आप बिना इंटरप्शन के मुझे बोलने दीजिए। देखिए अपने देश में कांग्रेस ने करप्शन का बीज एक बोया जी, ऊपर आया बीजेपी ने उसमें पानी डाल के और निखार दिया, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश में करप्शन के लिए। अब मोदी जी ने 2014 के चुनाव के पहले क्या कहा था कि हम 90 दिनों में काला धन वापस लाएंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपया आ जाएंगे, ना अकाउंट में 15 लाख रुपया आए ना काला धन आया, बल्कि हमारे देश का जो सफेद धन था वो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी लेके भाग गए, क्योंकि सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है, कुछ नहीं है। आज सरकार ने ये कहा जीएसटी और नोटबंदी से इंपैक्ट पड़ेगा। अगर नीरव मोदी पे और मेहुल चौकसी पे शिकंजा कसा होता जब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में लेटर लिखा गया था, तब ये भागते नहीं, ये देश में होते। आज देखिए स्विट्जरलैंड में क्या हो रहा है, स्विस बैंक में 50% शिकंजा अब हम लोगों ने कसा है, तो हम तो काला जो फिक्यूटिव एफेंडर बिल था उसको राज्यसभा में आप लोगों ने उनको 30 सेकंड दीजिए। नोटबंदी के वक्त
कि इससे आतंकवाद की पीठ टूट जाएगी। पनामा पेपर्स में के मंत्रियों के नाम है क्या? बहस बहुत बड़ी है, ये बहस वाकई बहुत बड़ी है, हर हिंदुस्तानी की, मेरे हर व्यूअर की पसंद की ये डिबेट है। काला धन बहुत लोगों के पास होता है लेकिन पकड़ा कम के पास जाता है। अपने बगल में जान के देखिए, किसी ना किसी के पास होगा, और आज का आर पार उन्हीं को टारगेट करने के लिए। आप देख रहे हैं आर पार। ब्रेक से पहले बहुत तीखी बहस हुई, मेरा निवेदन है यहाँ पर पैनलिस्ट एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। वारिस पठान ने कुछ बड़े सवाल उठाए ब्रेक से पहले, सुरीन भदौरिया ने उठाए, अभय दुबे ने उठाए, लेकिन वारिस पठान की बात का जवाब दे रहे थे आप। सुधांशु त्रिवेदी जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर वारिस पठान। देखिए, इन्होंने दो विषय उठाए थे, भ्रष्टाचार और धर्म। मैं भ्रष्टाचार पे कहना चाहूंगा, बताइए 20,000 रुपए की डोनेशन को 2,000 कैश डोनेशन की सीमा को किसने किया? हमने। बेनामी संपत्ति का बिल कौन लाया? हम। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल कौन लाया? हम। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा 57,000 करोड़ रुपए बचवाए किसने? हमने। 2,00,000 फर्जी कंपनियां किसने फाइंड आउट की? हमारी सरकार ने। और तो और मैं ये कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार फिगरेटिव ऑफेंडर बिल जो आपने अभी कहा था, अगर आज उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसी बिल के तहत जिसको आपने राज्यसभा में अटका दिया था। और धर्म भगत मैं कहूंगा, जिस पार्टी के नेता ने इतना अपमानजनक बयान दिया हो आपके ही ब्रदर में, तुम सब हमने आपके अध्यक्ष के भाई ने, तो मुझे नहीं लगता उनको बोलने का जवाब ही नहीं सुनना चाहते। हाँ, बताइए बताइए, विजय माल्या को भगाया किसने? तुमने। अरे विजय माल्या को विजय माल्या बनाया आपकी सरकार ने, मुकदमा दायर किया हमने। एक केस बताइए जो विजय माल्या पे उस जमाने में आपने किया हो, तुम्हारे एक कार्रवाई बताइए जो किया हो। अरे लिख लिख कर प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसको कर्ज और बढ़वा के दिया, जब वो दिवालियेपन के कगार में था, तब पीएमओ के पत्र लिखे हुए हैं बैंकों को उनको पैसा दिया जाए, और उसके बाद जब हम लोग वो बिल लाए जिसके तहत की संपत्ति कुर्क हो सकती है, तो आपने राज्यसभा में फंसाया। ठीक है, चार साल में कुछ विकास नहीं कर सकी, इसलिए हर आए दिन नए नई चीज लाते हैं। स्विस बैंक के अंदर बढ़ गया, किसकी वजह से? काला धन है, नहीं है ये? आपके पास क्या पॉलिसी है? $8 का भाव 70 रुपया हो गया, 70 रुपया क्या है ये? 70 रुपीज हाईएस्ट इन द हिस्ट्री, 70 रुपये को आपने नॉट हाईएस्ट इन द हिस्ट्री, दिस इज अ रॉन्ग फैक्ट इकोनॉमी, नॉट हाईएस्ट इन द हिस्ट्री, दिस इज अ रॉन्ग फैक्ट। मेरी जानकारी के मुताबिक अगर ये इतनी बड़ी बुरी तरह नॉट हाईएस्ट इन द हिस्ट्री है, भारतीय जनता पार्टी भी लुटेगी, करोड़ों से हुआ है, वरना रुपया भी लुटका है और भारतीय जनता पार्टी भी लुटेगी। एक एक करके सब लोग साथ में बोलेंगे। वारिस पठान को 20 सेकंड बात कंप्लीट कर दे दो, वारिस पठान को 20 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप बोलेगा। वारिस पठान मेरा है, उसका है? वारिस पठान आपके टर्न है, 20 सेकंड है आपके, बोलिए। सुनील चोपड़ा भी इंतजार कर रहे हैं। 70 रुपया हो गया, किसके राज में? क्या पॉलिसी है आपके पास डॉलर को कंट्रोल करने की? ठीक है, आपने ये पहले भी बात बोली। ठीक है, एक सबके सवाल सुन, सबके सबके टारगेट पे पॉलिसी आपके पास कुछ नहीं। सुनील मदरिया एक सेकंड मुझे बात तो कंप्लीट करने दीजिए सर। बैलेंस ऑफ इकोनॉमी, वारिस पठान जी आपने अपनी बात कह ली, मैं सबको ऑडियो डाउन कर रहा हूं। सबके टारगेट पे बीजेपी है, बीजेपी के प्रवक्ता इकलौते हैं सुधांशु त्रिवेदी, उनको एक एक करके सबका जवाब दे दीजिए। आप बोलिए, 30 सेकंड लीजिए। रुपया लुढ़का है क्योंकि इनकी गलत आर्थिक नीतियां थी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 2019 काले धन पे डिबेट में लुढ़केगी, काले धन पर देखिए खूब काले धन पे भी लुढ़केगी, इस पे भी लुढ़केगी। अच्छा सुधांशु त्रिवेदी, काले धन पर लेकिन 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का ड्रेस करेंगे? वारिस पठान, मैंने आपको पूरा मौका दिया, सारे सवाल सुधांशु त्रिवेदी से। सुधांशु, मेरा सवाल भी सुन लीजिए, इन दोनों के सवालों के सवाल पूछो। देखिए, आप पॉलिटिकली एड्रेस करिए, लेकिन 100 करोड़ देश की जनता इस समय आपको देख रही है, ये देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली डिबेट है। और मैं ये आपसे सवाल पूछता हूं, काला धन 2019 में भी मुद्दा होगा, मोदी सरकार ने काले धन पे काम किया है, इससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं कर सकता, ऑपोजिशन पार्टीज भी नहीं कर सकती, लेकिन रिजल्ट मिला है नोटबंदी के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला, जीएसटी के बाद क्या आपको रिजल्ट मिला, एसएनडी बनाने के बाद क्या आपको रिजल्ट मिला? दैट्स द स्ट्रेट क्वेश्चन। बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं। इन्होंने डॉलर की बात कही, आपने कहा जीएसटी, नोटबंदी और उसके बाद क्या अंतर आया, मैं उसका जवाब देता हूं। साहब, डॉलर की कीमत दो कारणों से बढ़ी है, जो पेट्रोलियम के दामों में चेंज और अमेरिका के द्वारा अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में गिरावट। अगर इस ढंग के समझदार लोग इस बात को नहीं समझते, अगर भारत की अर्थव्यवस्था में कमी होती तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा ऑल टाइम हाई के ऊपर है,
और मैं ये बताना चाहूं कि पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है, पिछली सरकार के समय में ऑयल बॉन्ड्स क्या थे दुबे जी, 1,42,000 करोड़ रुपए का, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, आज की डेट में 2,00,000 करोड़ से ऊपर का हो गया है, जो 2025 तक चुकाने में लगेगा हमको, जो उधार लेने के घी पी रहे थे उस जमाने में, ये एक यथार्थ की बात है। और रही बात इसकी, मैं जीएसटी की बात करता हूँ, ये भारत का आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म था, सबसे ऐतिहासिक टैक्स रिफॉर्म था। जहां तक आप बात कर रहे हैं तो पहले सुनील चोपड़ा उसकी नो वन एल्स, अबे तुम्हें मैंने आपको भी टाइम दिया, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपकी पास आऊंगा। सुनील चोपड़ा माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट, हम नरेंद्र मोदी सरकार को घेर सकते हैं, घेरना चाहिए विपक्ष। सुनील चोपड़ा सवाल मेरा सुन लीजिए, 2013 में जो काला धन 14,000 करोड़ था वो 2017 में कम होकर 7,000 करोड़ हो गया है स्विस बैंक के अंदर, जिसको आप कहते हैं, जवाब क्या है? वो सब मालूम है, आप हर मिनट मत कहिए। तीन बिंदु है जी, पहला बिंदु है कि जब मोदी सरकार आई इस देश में तो 1% हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के पास 47% संपत्ति थी जी। आज उसी 1% के पास 78% संपत्ति हो गई है, और आप अगर उसका रेशो देखेंगे वो वही रेशो है जो स्विस बैंक में अकाउंट्स बढ़ गए हैं। तो असमानता से काला धन पैदा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हाउ आर यू श्योर सुनील चोपड़ा, आप श्योर कैसे है काला धन है? मैं आपको और बताता हूं। नहीं, पर आपकी जानकारी के मुताबिक काला धन है, ये काला धन कैसे है? क्योंकि स्विस बैंक में लेजिटिमेट अकाउंट भी है, बताता हूँ, स्विस बैंक में लेजिटिमेट अकाउंट भी है, आप भी खोल सकते हैं अपना स्विस बैंक में अकाउंट, इसमें आप भी खोल सकते हैं कानूनी तरीके से। आप समझते, मैं नहीं जानता, 10 साल मैं बाहर रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं? हो सकता है आपका अकाउंट भी हो, अकाउंट से ज्यादा अप्स एंड डाउन्स। मगर विपक्ष के सांसदों ने सुनील जी हलफनामा नहीं दिया कि हमारा विदेश में अकाउंट नहीं है, हम विपक्ष में रहते हुए दे चुके हैं। ये 4 साल की साइकिल है, ये 4 साल के अंदर सारा काला धन बाहर चला गया है। सुधांशु चतुर्वेदी जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, जो चोपड़ा साहब आरोप लगा रहे हैं, चोपड़ा साहब की बात, मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार कर करके काले धन को बाहर पहुंचाया, वो हमारे तमाम ईमानदार प्रयासों के बावजूद वो धन आधा हो गया है। इसके बाद हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो हिंदी की कहावत लागू होती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे जवाब दीजिए, पिछली सरकार के समय में एक बाइलेटरल एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड से, बताइए, मैं आपको चुनौती देता हूं, आपने 2008 में यह विषय उठा, 6 साल तक कोई भी समझौता तक नहीं किया कि जो जानकारी भी दे सके, कार्रवाई छोड़िए जानकारी भी दे सके, और ये मौका दिया उन लोगों को पैसा निकाल के इधर से उधर ले जाने का। चोपड़ा साहब, पैसा उस आदमी का था जिसने विधायक खरीदने थे कर्नाटका में, आंकड़े हैं, तो सरकार तो इनकी नहीं बनी कर्नाटका में, भैया कर्नाटक में जेडीएस के साथ डील तो आप लोगों ने की। अच्छा सुदीन बोलो, आरोप हम पे ठीक है, बहुत हास्यास्पद बात, पर ये कितना, एक सेकंड सर, मेरा निवेदन है सुनील चोपड़ा, आपने अपनी बात कह ली। मैं बतला दूं, ये और इनके कई सहयोगी कहते थे इस देश में ब्लैक मनी, पर क्यों आरोप लगा रहे सुनील चोपड़ा? कर्नाटक में सरकार तो कांग्रेस की बनी, जेडीएस की बनी, आपकी बनी, इनकी कहां बनी? पैसा हो तो मैं बताता ही हूं, आपके आरोप के मुताबिक इनके पास पूरी दुनिया का भी काला धन हो जाए तब भी ये चुनाव हारेंगे, इसलिए हारेंगे क्योंकि इस देश की बहुत बड़ा आरोप जनता, इस देश की 130 करोड़ जनता जान गई है, इन्होंने नकली वादे, 15 लाख रुपया हर एक के खाते में कहां गया है, 15 लाख रुपया हर एक के खाते से, इनके तमाम सहयोगी लोग इनके बारे में अब कह रहे हैं, कुछ लोग खुलेआम, कुछ लोग दबे रूप से, कि इन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया, और इनका अब मुखौटा जो था वो सब साफ हो चुका है। सारी दुनिया का काला धन आपके पास है, मैंने ये कहा कि इनके पास हो तब भी मैं कहना चाहूंगा, जिन जिन लोगों ने आकर अपना जमघट बनाया था कर्नाटक के सरकार के समय, बताइए, ममता बनर्जी जी के ऊपर नहीं शारदा का आरोप है क्या? मायावती जी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस नहीं झेल चुकी हैं क्या? सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी नेशनल हेरल्ड केस में 50,000 रुपए के मुचलके पे नहीं है क्या? लालू यादव जी जेल में नहीं है क्या? मुलायम सिंह जी, अरे सीबीआई का उपयोग मैं बताता हूँ, जिस दिन के टाइम पे किया हमने उसके जवाब दिया, हम केंद्र की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट आई
आज सुनिए, केंद्र की सीएजी की रिपोर्ट आई लोक लेखा समिति की, और वो रिपोर्ट अगेंस्ट में थी। किन दो पार्टियों ने सबवर्ट किया उसको? सपा और बसपा। और चुनौती के साथ कहता हूं, अगले 72 घंटे में सीबीआई की चार्जशीट चेंज हो गई, एक नहीं कई बार चेंज हुई, इसलिए आप बच गए। अरे और आज हकीकत यह है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक दबाव बना रहे थे, आपकी सरकार राजनीतिक दबाव बना रही थी। अच्छा, बहन मायावती और उसके बाद किसके सरकार में चला? कांग्रेस के जमाने में। हम तो देखिए अब दलितों के साथ दूसरी बात छोड़ दीजिए, दलित कैसे आ गया इसके अंदर? दलित कैसे आ गया? नोटों की माला कैसे पहनी मुझे बताइए, दलित की बेटी नोटों की माला कैसे पहनी? बार इस देश के अंदर बाबा साहब पैसा, बाबा साहब कैसे आगे बीच में गए? ये करप्शन में, ये मनुवादी सरकार, अरे भाई मनुवादी भी बीच में आ गए, कमाल। मनुवादी लोग एक दलित की बेटी को देश का नेता बनते हुए नहीं कर सकते। जवाब जवाब जवाब, मनुवाद सब कुछ आ गया बीच। हाँ, मनुवाद भी आ गया। बताइए किसी दलित की हैसियत है मायावती के बगल में बैठ जाए? वो कुर्सी बैठेगी तभी तो बैठेगी। और मनीवाद किसी दलित की हैसियत है कि मायावती के साथ पोस्टर लगाए? नहीं हो सकता। बताइए पैसा किसको दिया अपने भाई को? किसी दलित को दिया? मनुवाद सबसे ज्यादा है तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर आज की डेट में सद्दाम हुसैन और नॉर्थ कोरिया के किम इल सुंग के अलावा अपने दौर हुकूमत में अपनी मूर्तियां बनवाने वाली मायावती, नोटों की माला पहनने वाली मायावती, वंचितों शोषितों की 150-200 करोड़ की मायावती, वंचितों पर डिबेट नहीं है, करप्शन के ऊपर वार जरूरी है। अबे दुबे, मैं आपको स्क्रीन पर लेके आना चाहता हूं, एंड नोबडी विल इंटरवीन, सबको अपना टाइम मिलना चाहिए। अबे दुबे जी, देखिए करप्शन और ब्लैक मनी का डायरेक्ट लिंक है, लेकिन आपके दौरे हकूमत में करप्शन की नई नई परिभाषाएं लिखी गई। क्या आपको लगता है जब कांग्रेस काले धन पर सवाल खड़ा करती है तो जनता को हजम नहीं होता? अमित जी, इस डिबेट के बाद मोदी जी को कहिए कि सारे कांग्रेसियों को फांसी दे दे, वो अपराधी हैं तो, मगर खुद के अपराध पर पर्दा तो मत डालो कम से कम। मुझे सुधांशु त्रिवेदी से पूछकर बताओ कि स्विस बैंक का जो करार हुआ है उसके एग्जीक्यूशन की डेट कौन सी है? 1 जनवरी 2018। क्या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो इंफॉर्मेशन देंगे जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिटीजन का अधिकार है उनकी जानकारी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इस देश को बर्बाद कर दिया, 10 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया, 2.25 लाख करोड़ रुपए का माइनिंग स्कैम वसुंधरा ने किया वो नहीं दिखता, 36,000 करोड़ रुपए का रमन सिंह ने नान घोटाला किया वो नहीं दिखता, जिस बैंक के डायरेक्टर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 5 दिन में 745 करोड़ रुपए गिने भी नहीं जा सकते, वो कैसे जमा हो गए? सवाल है जवाब जवाब लेंगे। नोटबंदी की घोषणा के पहले अबे जी एक मिनट हो गया, डिमांड डिपॉजिट में जमा कराए उसकी जांच नहीं कराएंगे? किस व्यक्ति को आपने हाल से छुड़ाकर राफेल का ठेका दे दिया वो देश को नहीं बताएंगे? ठीक है, काला धन एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन डूबे हुए हो और मुखो आपने सवाल उठा लिया। अबे दुबे 5-6 सवाल हो गए, 1.5 मिनट हो गया। अबे दुबे, आस्था आप पर से उठ गई है। ओके, देश की आस्था आपसे उठ गई है, काले धन वालों को आप संरक्षण दे रहे हैं ये आरोप है, और आपके दौरे हुकूमत में भी, एक सेकंड सर, आपका आरोप है कि आपके दौरे हुकूमत में भी, यानी बीजेपी के भी दौरे हुकूमत में करप्शन हुई है। हाँ, इन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2018 डेट है, क्यों है? काले धन का मुद्दा 2008 जुलाई में G20 की लंदन समिट में हुआ था, 6 साल कोई कार्रवाई नहीं की। जब हमने SIT गठित की, कार्रवाइयां शुरू की, अंतरराष्ट्रीय समझौते किए, तो इसलिए हमें आज 3 साल के बाद की वो डेट रखनी पड़ी कि समझौतों के तहत कार्रवाई हो, मगर आपने एक कार्रवाई नहीं की। मैं चुनौती देता हूं 2014 से पहले का एक एग्रीमेंट बताइए काले धन के लिए जो आपने किया हो, कुछ नहीं किया। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अरे बताइए ना क्या कार्रवाई की? देखो सुधांशु, अबे तू 2014 से पहले एक कानून बताइए। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, सुने को ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे पता है ये बहस देश की सबसे बड़ी बहस है, ये आपके लिए बहस है, और मैं ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर वापस आ रहा हूँ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आरपार न्यूज 18 इंडिया पर, ये दौर, इस दौर में मैं सीधा सुधांशु त्रिवेदी, सुधीन बदरिया, अबे दुबे और वारिस पठान के पास जाना चाहूंगा, और मेरे साथ सुनील चोपड़ा भी लगातार बने हुए हैं। एक सेकंड, अबे दुबे 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ स्विस बैंक में पैसों का बढ़ना पिछले एक साल के अंदर 50%
वो काले धन का प्रतीक है, वो काले धन का सिर्फ प्रतीक है, क्योंकि अरुण जेटली ने बोला है कि स्विस बैंक में सारा पैसा काला नहीं हो सकता। हमें तो लूट लिया मिलके मोदी वालों ने, झूठे झूठे जुमलों ने और बड़े बड़े नारों ने जी। रामदेव जी से आग्रह करता हूं, प्रभु रामदेव जी प्रकट हो जाइए, 80 लाख करोड़ ना सही काला धन, कम से कम मोदी सरकार को प्रेरित कीजिए जो देश से वादा किया है। मैंने कहा स्विस बैंक से भी 1 जनवरी 2018 का करार है, क्योंकि ये ओएसीडी के ड्राफ्ट को नकार कर नवंबर 2014 में उसकी डेट लूट लिया। ठीक है सर, 40 सेकंड हो गए, देखो मेरे को आपकी वाणी को विराम देना पड़ेगा, जवाब सुनाना पड़ेगा, बाकी भी बड़े सारे पैनलिस्ट हैं दुबे, ओके काले इनको दुख है, इनको मोदी वालों ने लूट लिया, खड़ी हो कैसे लूट लिया मोदी वालों ने बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, आप मोदी वाले हैं, देखिए बचाने वाले मोदी जी वाले थे, सारा वक्त सुनते एक एक कार्रवाई हमने अपने जमाने में की है, नीरव मोदी पे केस हमारे जमाने में, ललित मोदी पे केस हमारे जमाने में, विजय माल्या पे केस हमारे जमाने में, बाकी आपके जमाने में तो वो मजा ले रहे थे, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, बता कि कारवां क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, आपकी रहबरी इसलिए कह रहा हूं कि चिट्ठी लिखी जाती थी प्रधानमंत्री कार्यालय से कि विजय माल्या डिफॉल्टर हो गए, फिर भी इतने हजार करोड़ का लोन दे दिया जाए। ठीक है सुधीर भदौरिया, सुधीर भदौरिया ओके सुधीर भदौरिया, इनके मामले काले धन पर ऑपरेशन ऑल आउट शुरू होना चाहिए, काले धन पर, और ये जो लूट इस देश में हुई है, चाहे इसमें आपकी पार्टी भी बने, मैं फिर आप ये नहीं बोलेंगे दलित कार्ड नहीं खेलेंगे, पार्टियां नहीं खेलेंगे, बताइए पार्टियां और व्यक्ति महत्व नहीं है, इनके पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, इनके पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है 1 लाख करोड़ रुपए का अदानी के पास कर्जा है, और क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होती है? काला धन नहीं होता भैया, कर्जा काला धन नहीं होता, आई एम द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज सर, आई नो क्वाइट वेल, कर्जा काला धन नहीं है, नहीं सर ये गलत तर्क है, काला धन एनपीए काला धन नहीं है, एनपीए काला धन नहीं है, आपके जमाने में उत्तर प्रदेश में कितना कर्जा था ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कितना कर्जा था, 7 लाख करोड़ को काला धन बताने लगे, अरे भाई जी हमारी कौन है, और मैं पूछना चाहता हूं इन्होंने हिफाजत रखी है, आप कर्जा 7 लाख करोड़ रुपए का इस जमाने में, एक सेकंड है लोगों को, भदौरिया साहब बड़ी बात यह है कि जब ऑपरेशन ऑल आउट की अगर बात हम करते हैं काले धन के ऊपर, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आती हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, सुधांशु काले धन को लेकर आप सीरियस हैं, काले धन पर क्या ऑपरेशन ऑल आउट देखेंगे आप, और कुछ नहीं किया है, जवाब सुधांशु का जवाब, क्या ऑपरेशन ऑल आउट हम देखेंगे, 25 सेकंड है फिर वारिस, अरे भाई जवाब ही लोगे, ये कह रहे हैं कि हम अंतिम वर्ष में कर रहे हैं, मैं पुनः गिनाए देता हूं, बेनामी एक्ट हमने इंप्लीमेंट किया, रियल कहां गया बताइए ना, अगर फर्जी कंपनियों पे कार्रवाई हमने की, अरे 15 लाख रुपया हमने लागू किया, डायरेक्ट आने वाला धन क्या बीच में बोल रहे हैं, हमने जोड़ा आपके चिल्लाने से क्या होता है साहब, दिन में जवाब दीजिए, जिनके परिवारों की संपत्तियां देखते देखते चंद सालों में बीजेपी, अमित जी मुझे बोलने दो, प्लीज बोलिए सर, प्लीज बोलिए सर, देखिए ब्लेम गेम चालू है, कांग्रेस बोलती है बीजेपी के राज में करप्शन बढ़ा है और काला धन ज्यादा हो गया है, बीजेपी बोलेगी कांग्रेस के राज में ये सब हो गया था, कांग्रेस को 2014 में इसी वजह से लोगों ने रास्ता दिखा दिया, बीजेपी की बारी है 2019 में, अगर इसी तरह रहा तो 2019 में उनको भी बाहर जाना पड़ेगा, और एक थर्ड फ्रंट आएगा जो रीजनल पार्टी बनाएगी, और वो काला धन पे भी चेक रखेगी, विकास का भी काम करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी करेगी, ब्लैक मनी पे भी चेक करेगी, सब करेगी, अब आप सुधांशु करेगी तो बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, आप लोग टोटल फेल हो चुके हो, टोटल फेल हो चुके हैं, रास्ते में हर जगह देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं, काला धन लाने के लिए देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश की जनता ने पूरा यथार्थ देखा है, किस प्रकार की राजनीति MIM पार्टी करती है, और जो अन्य तथाकथित
जो महागठबंधन के दल है सबके नेता बड़े बड़े भ्रष्टाचार के में डूबे हुए हैं, और इस महागठबंधन के जहाज के लिए तो मैं कहना चाहूंगा शुक्रिया सर, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन निष्कर्ष यही है काले धन पर ऑपरेशन ऑल आउट शुरू करना पड़ेगा, इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती। आप तमाम लोगों ने डिबेट में पार्टिसिपेट करा, शुक्रिया। फिलहाल आर पार में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, और अब वक्त है अगले प्रोग्राम का। सो मैं तो बताती हूँ।